दोस्तों अगर आप भी अक्षर पटेल, एमएस धोनी और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित के गुस्सा करने पर और अक्षर पटेल के ओली पॉप के कैच छोड़ने पर ना अब खुद अक्षर ने खुलासा कर दिया है और अपने बयान में कुछ ऐसा कह गए हैं कि सुनकर आप भी दंग रहने वाले हैं। अक्षर ने अपने बयान में दोस्तों इस कैच छोड़ने पर, रोहित के गुस्सा करने पर क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, अक्षर पांड्या और जडेजा में सबसे बेहतर ऑलराउंडर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों कहते हैं कि क्रिकेट के मैदान में अक्सर वो होता है जो कोई सोच नहीं पाता, और जिस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के कसीदे पहले सेशन से पढ़े जा रहे थे पहली इनिंग के, वही मैच अब पूरी तरीके से टर्न हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हैदराबाद में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारत ने तो इंग्लैंड की टीम को सबसे पहले 246 पर ऑल आउट कर ही दिया था, जिसके जवाब में 203 खिलाड़ियों की जबरदस्त इनिंग रही। यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और 200 केएल राहुल, इन तीनों के रन मिलाकर ही इस टीम से ज्यादा बन गए थे। इनफैक्ट हमने तो 200 पहली इनिंग में इस टीम के खिलाफ ही 450 से ज्यादा रन बना दिए, लगभग 190 रन की बढ़त हमारे पास थी। लेकिन फिर बल्लेबाजी में कुछ ऐसा तूफान आया ना इंग्लैंड की टीम का कि सारा माहौल, सारे जज्बात पलट गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम की तरफ से एक सेशन में पूरे 100 रन निकल कर आते हैं। एलेक्स रॉली का विकेट जरूर मिल गया था, लेकिन दोस्तों डकेट नाम के खिलाड़ी ने जहां लगभग 47 रन ठोके, वहीं बेन फॉक्स भी 34 रन लगा गए थे। लेकिन इस बीच एक ऐसा खिलाड़ी था जो भारत के लिए इस मैच का सबसे बड़ा विलेन बनता जा रहा था, और दोस्तों वो थे ओली पॉप। दोस्तों ओली पॉप ने इस मैदान में ना बल्लेबाजी की परिभाषा को बदल कर रख दिया। अर्धशतक, शतक तो छोड़िए, ये तो 150 रन तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि अक्षर पटेल की एक गलती इस खिलाड़ी को एक नया जीवन दान दे गई थी, वो भी शतक के ठीक बाद। दोस्तों न जाने ओली पॉप किससे अपनी किस्मत लिखवा कर आए थे मैच से पहले, एक जीवन दान तो उन्हें पहले मिला था और एक मिला पारी के 64वें ओवर में, लेकिन जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे। ओली पॉप तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में थे ही और चौका जड़ चुके थे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों कहीं ना कहीं जडेजा ने अब उनको पढ़ना शुरू कर दिया था, इसलिए हाइट पर लेंथ गेंद डालते हुए उन्होंने ओली पॉप को ट्रैप करना चाहा और उसमें कामयाब भी हो गए, क्योंकि वहां पर वो एक स्वीप शॉट खेलना चाहते थे और अक्षर पटेल दोस्तों जो कि थर्ड मैन पर खड़े थे उनके पास ये कैच चला गया। दोस्तों अक्षर पटेल ने डाइव लगाया हवा में उछलकर और इस कैच को पकड़ना चाहा। कैच ज्यादा मुश्किल भी नहीं था और अक्षर के हाथों में आ भी चुका था, लेकिन अंतिम लम्हों में ना दोस्तों अक्षर ने इस कैच को ड्रॉप कर दिया और ओली पॉप को एक और जीवन दान मिल गया। बस फिर क्या होना था दोस्तों, इसी वाक्य पर इतना ज्यादा गुस्सा हुए रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा, क्योंकि जानते थे वो कि इस विकेट की कीमत क्या है। और अगली गेंद पर ही ओली पॉप ने चौका जड़ दिया जो कि जले पर नमक छिड़कने के बराबर था, और इनफैक्ट वहां से उठकर वो 150 रन तक पहुंच गए, मतलब कि 50 से 60 रन अगर फालतू लगे हैं ना तो दोस्तों कहीं ना कहीं अक्षर की गलती उसमें मौजूद है। दोस्तों जडेजा और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का गुस्सा वाजिब था, लेकिन दोस्तों रोहित के भड़कने पर और कैच छोड़ने पर ना अब अक्षर पटेल ने भी खुलासा कर दिया है कैसे उनकी गलती पर उन्हें ही अफसोस है। और दोस्तों अक्षर पटेल ने ओली पॉप का कैच छोड़ने पर और रोहित के उसके गुस्सा करने पर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों अक्षर ने अपने बयान में कहा, क्रिकेट के मैदान में जब आप उतरते हैं ना तो हार और जीत के फासले में केवल एक रन, एक कैच और एक चौके छक्के का ही अंतर होता है। इतिहास गवाह है कि टेस्ट मैचेस भी आखिरी विकेट पर जीते गए हैं, एक रनर अप के साथ भी जीते गए हैं और कई बड़ी पारियों के बाद हारे भी गए हैं। मैं मानता हूं कि क्रिकेट मैच को जीतने के लिए अगर आप 100% टेस्ट के 100वें या 200वें या 500वें ओवर में भी नहीं दे रहे तो आपकी सरासर गलती है। ओली पॉप का कैच हमारे लिए बहुत जरूरी था, उनका विकेट ही सबसे ज्यादा जरूरी था हमारा जीत का स्तंभ गाड़ने के लिए, और अगर वो कैच होता उस वक्त पर तो शायद अपनी टीम के लिए आज मैं वो 50 से 60 रन बचा पाता जो शायद आगे चलकर उन्होंने बनाए। खुद पर बहुत ज्यादा शर्म महसूस कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरी गलती की भरपाई ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शायद हमारे बल्लेबाज इस मैच को जिता देंगे अगर हमने जल्दी विकेट ले लिया ओली पॉप का, लेकिन अगर जल्दी नहीं ले पाए तो शायद ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। रोहित भाई तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनका गुस्सा पूरी तरीके से जायज था, और जड्डू का भी, क्योंकि उनकी मेहनत पर मैं खरा नहीं उतर पाया। बस सबसे माफी मांगना चाहूंगा और इस बात की कामना करूंगा कि हम कैसे भी कर अब इस मैच में जीत जाएं और ओली पॉप का विकेट भी हमें चौथे दिन जल्दी ही मिल जाए। दोस्तों अक्षर पटेल बहुत ज्यादा अफसोस जाहिर कर रहे थे इस पूरे वाक्य पर, वैसे गलतियां तो सबसे होती हैं। दोस्तों चौथे दिन भारत को हराने पर कमेंट में कुछ ऐसा कह गए ना इंग्लैंड के सभी दिग्गज के सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। आखिरकार भारतीय टीम को धमकी देते हुए क्या बोले ये सभी खिलाड़ी, एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है,
चौथे दिन इस रोमांचक मैच को कौन जीतेगा, भारत या इंग्लैंड? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में एक नया रोमांचक मोड ले लिया है। सीरीज के इस पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में जहां भारत का पलड़ा भारी था, जहां चप्पे चप्पे पर लग रहा था कि भारत की ही जीत होगी, वहां अब माहौल कुछ और हो गया है। जी हां दोस्तों, 246 पर हमने इन अंग्रेजों को जरूर ऑल आउट किया था और बदले में फिर हमने 426 के आसपास रन भी बनाए थे तीन जबरदस्त पारियों के चलते। लेकिन इन्होंने आते ही एक सेशन में ना 100 से ज्यादा रन मैदान में लगा दिए। और इतना ही नहीं, ओली पॉप नाम के खिलाड़ी ने तो मैदान में इतिहास रच दिया। इतने रन बना डाले कि दोस्तों रोहित इकलौते ऐसे कप्तान बने हैं जिसने पिछले 3 साल में सेकंड इनिंग्स में किसी टीम के खिलाफ इतने रन खा लिए हैं अपनी टीम के लिए। दोस्तों, इंग्लैंड ने 316 रन बना दिए हैं 6 विकेट गंवाकर, 126 रन की बढ़त है। और ओली पॉप जनाब की बात की जाए तो 208 गेंदों में 17 चौके जड़कर ये खिलाड़ी 148 रन बना चुका है। मतलब कि भारतीय क्रिकेट टीम ने सबके विकेट ले लिए बस ओली पॉप को छोड़कर। खैर दोस्तों, 126 रन कम नहीं होते जीतने के लिए। जीत और हार में तय करने के लिए एक रन भी काफी होता है और अब पड़ रहा एक एक रन भारत को हार की तरफ धकेल रहा है। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड के दिग्गज इस पर बहुत ज्यादा घमंड भी कर रहे हैं और अब तो भारत की हार के कसीदे भी पढ़ने लगे और कुछ ऐसा कह गए हैं ना कि सुनकर आप भी चौंकने वाले हैं। दोस्तों, एक एक इंग्लैंड के दिग्गज ने भारत को हराने पर क्या कुछ कह दिया है इस पहले टेस्ट मैच में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि केविन पीटरसन ने कहा, जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने इस मैच में कमबैक किया है ना, वो तो बस एक छोटा सा टीजर है। असली पिक्चर तो चौथे दिन में दिखेगी जब ओली पॉप के 200 रन भी होंगे और इंग्लैंड की टीम एक चट्टान जैसा स्कोर भी खड़ा कर देगी। मुझे लगता है कि इस मैदान में जीतने के लिए हमें 250 से 300 रन की जरूरत होगी, जिसे हम बड़े आसानी से बना भी लेंगे। भारतीय टीम तैयार हो जाइए इस साल की पहली टेस्ट हार देखने के लिए, उम्मीद है हम ही जीतेंगे। तो वही दोस्तों, माइकल वॉन का भी कहना था, लगता नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम इस बार अपना जादू चला पाएगी। इस बार भले ही पिच उन्होंने स्पिन बनाई हो, लेकिन हमारे खिलाड़ी दोनों एंगल से तैयारी करके मैदान में उतरे हैं और जो दिख भी रहा है, भले ही हमारा एक खिलाड़ी रन बना रहा है, लेकिन जब रन बचाने की बात आएगी ना, तो हर एक खिलाड़ी दौड़ दौड़ कर एक एक रन बचाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंग्लैंड की टीम चौथे दिन भारतीय क्रिकेट टीम को वो आईना दिखाएगी जो कोई और टीम नहीं दिखा पा रही। आप ही जीतेंगे इंग्लैंड की टीम। तो वहीं साथ ही साथ दोस्तों, जॉस बटलर ने भी कहा, टीम के साथ नहीं हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि टीम जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। बेन स्टॉक्स, क्या उम्दा कप्तानी और बल्लेबाजी आपने की? ओली पॉप का तो जवाब नहीं, बस जीत से आप कुछ कदम दूर है। भारतीय क्रिकेट टीम को ऐसे ही रौंदते चलिएगा, मैच हमारा है। साथ ही साथ दोस्तों, नासिर खान ने भी कहा, लगता है कि अब मजा आने वाला है। टेस्ट क्रिकेट में जब हमारी टीम जीतती है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। विश्व कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ इंग्लैंड को जीतता हुआ देखने की एक चाह थी जो लगता है कि चौथे दिन पूरी हो जाएगी। रोहित शर्मा का मुंह देखने वाला होगा। बस आप इंग्लैंड की टीम अच्छा करते रहिए, 250 का टारगेट दीजिए और उसे बचाइए, जीत आपकी ही है। दोस्तों, इंग्लैंड के सभी दिग्गज बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। एक खिलाड़ी ने 148 रन क्या बना दिए, वो ये भूल गए कि ये अब बैटिंग पिच बन चुकी है और यहाँ पर हमारे खिलाड़ी भी शतक ही ठोकेंगे। तीन ने तो 80 से ऊपर रन बनाए ही थे। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन में गेंदबाजों के प्रहार के आगे बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और जडेजा के आगे इंग्लैंड की टीम ने सरेंडर कर ही दिया। कैसे इन तीनों ने मिलकर परखच्चे उड़ा कर रख दिए दोस्तों इंग्लैंड के, और गेंदबाजी से ही पूरे मैच को पलट कर भारत को विजयी घोषित कर दिया। तीनों की जबरदस्त गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, भाई जडेजा, पांड्या और रोहित शर्मा में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में भारत ने जीतने के लिए हर वो पुरजोर कोशिश कर डाली है जो उन्हें करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले की पहली इनिंग्स में हमने इंग्लैंड की टीम को 250 के अंदर ही ऑल आउट होते देखा। इसके बाद हमारे तीन जाबाज यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और दोस्तों केएल राहुल की 80 से ऊपर वाली पारियों ने ना अकेले टोटल अगर उनका कर दिया जाए तो 250 से ज्यादा बनता है। और पूरी टीम ने मिलकर दोस्तों हमारी ने 450 के आसपास रन बनाए। कुल मिलाकर दोस्तों हमने 436 रन बनाए थे। हमारे पास अच्छी खासी लगभग 200 रन की बढ़त थी और दोस्तों इस बढ़त को हासिल करने के लिए इंग्लैंड ने सबको तब चौंका कर रख दिया जब केवल एक सेशन के अंदर इस टीम ने एक विकेट के नुकसान पर ही 200 रन के आसपास बना दिए थे। डर तो हर किसी को लगेगा ही ना जब इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है और इसी जीत तक हमें ले जाने के लिए पहला कदम रखा जसप्रीत बुमराह ने, और जब उन्होंने कदम रखा ना तो इंग्लैंड की टीम के परखच्चे अकेले ही वो उड़ा चुके थे।
दोस्तों हमें जैक क्रॉली का विकेट भले ही अश्विन ने दिलाया था, सबसे पहला विकेट वही था, लेकिन डकेट बेन डकेट नाम के खिलाड़ी ने 52 गेंदों में 7 चौके जड़कर 47 रन बनाए थे और सबको खूब डरा भी रहे थे कि तभी जसप्रीत बुमराह आते हैं 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी शानदार रफ्तार से ना ये खिलाड़ी 47 रन पर इनको क्लीन बोल्ड कर देता है।